सतना शहर के विज्ञान नगर थाना इलाके में नगर निगम के सफाई कर्मचारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, युवक की छाती में गोली लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। जानकारी के मुताबिक झाड़ू बस्ती निवासी जितेंद्र नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर तैनात है। उसका पड़ोस में रहने वाले अन्य लोगों से पहले से विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते आपस में मुकदमे भी पहले दर्ज हुए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंच गए। पुलिस उप अधीक्षक राजेश का कहना है कि अभी परिजनों ने FIR नहीं दी है, ऐसे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि हमलावर कितने लोग थे। परिजनों की रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से शराब बेचने का विवाद था, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं बता रही। वहीं इस मामले में 10 दिन पहले ही जितेंद्र जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। DSP राजेश ने बताया कि जीतू गुरुवार देर शाम को खाना खाकर अपने घर के बाहर बैठा था। इस दौरान चार बाइक पर बदमाश आए और जीतू पर फायरिंग कर दी। इस दौरान बदमाशों ने जीतू के सीने पर गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हो जाने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, और उसके मेडिकल बोर्ड से उनके परिजनों के सामने पोस्टमार्टम करा दिया गया है। हाँ, कुछ उसमें नाम था, हमने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। जल्दी पूरी वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। करीब 7:15 बजे की घटना है, अपने घर के बाहर बाहर बैठा था, कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और इसमें फायर करके चले गए। कितने लोगों से ये तफ्तीश का विषय है, उसका खुलासा थोड़ी देर में कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सपुर्द कर दिया है और मामले की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।